हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमिवे से। तो एमिवे का चूजम्बा ट्रैक अभी 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो KSI जो है, जो कि एक यूट्यूबर है, उनकी एक पिक्चर देखने को मिली है जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन के बारे में। तो डिवाइन अपनी एल्बम से रिलेटेड एक हिंट देते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट और एक ट्वीट करा हुआ है। तो फ्राइडे को कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है, तो वेट करते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट अपडेट किंग की साइड से। तो किंग ने अपनी पाब्लो की डेट्स बता दिया। तो 23 सितंबर को देखने को मिलने वाला है पाब्लो ट्रैक, और टीजर जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट एलान रिकॉर्ड्स की साइड से। तो एलान रिकॉर्ड्स का यूट्यूब चैनल अभी 50K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। तो नेक्स्ट अपडेट ब्रदावी की साइड से। तो ब्रदावी ने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा था, जिसमें उनसे रफ्तार के साथ कोलैबोरेशन के बारे में पूछा जाता है। We are in fact working on a couple of ideas. It's just that Raftar is going to be mad with me because I keep changing ideas and I don't stick to one. I always keep thinking another idea is better than the previous one. So that's how we end up wasting time. तो इस पे रफ्तार ने रिएक्ट करा है, माय जी pulling off two caps at the same time. तो ब्रदावी इसको रीशेयर करके लिखता है, हार्ड डिस्क लीक कर दूंगा। साथ ही उनसे एमिवे और डिवाइन के साथ के कोलैब के बारे में भी पूछा जाता है। I don't mind, dude. I mean, as long as I get to own the song and as long as it releases on my channel. Yeah, man. Hopefully after his new album is out, and all the best to him for his upcoming album. And yeah, maybe after that. तो अब बात कर लेते हैं थोराइड के बारे में। तो थोराइड का स्ट्रीट लवर सॉन्ग अभी 100K स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। साथ ही बेला का जो फाउंड आउट रिकॉर्ड से ट्रैक आने वाला है, तो उसका ऑडियो भी आप लोग सुन सकते हो। म्यूजिक वीडियो कल रिलीज होगा। तो नेक्स्ट अपडेट यशराज की साइड से। तो अफीक भाई के यूट्यूब चैनल से एक पॉडकास्ट देखने को मिला है यशराज के साथ में। तो अब बात कर लेते श्लोका के बारे में। तो श्लोका ने अपनी EP का फर्स्ट ट्रैक अनाउंस कर दिया, जिसका नाम है घोषणा, और ये देखने को मिलेगा 16th को। तो इंतजार करते हैं इसके लिए। तो अब बात कर लेते रिफिक्स म्यूजिक के बारे में। तो रिफिक्स म्यूजिक जो है वो अभी 150K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। साथ ही उनका चैनल 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते शुभ के बारे में। तो शुभ का जो बॉलर ट्रैक ड्रॉप हुआ था, वो अभी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है फर्स्ट नंबर पे। साथ ही एप्पल म्यूजिक की टोरंटो की जो टॉप 25 की लिस्ट है, उसमें भी वो फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो लिस्ट है वो रोज अपडेट होती है, और कौन सा ट्रैक वहाँ पे ज्यादा सुना जा रहा है उस सिटी में, उस हिसाब से ट्रैक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।